हर देश की अपनी जासूसी रणनीति होती है। यह इन देशों की सुरक्षा और दुश्मन पर जीत हासिल करने में सहायक होती है। हम सभी के दिमाग में इस तरह की जासूसी के लिए सौंपे गए लोग जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के नायक की तरह वीर लगते हैं। लेकिन ऐसे काल्पनिक चरित्र से परे एक ऐसा नाम है जो आज भी अपने निस्वार्थ जीवन से मातृभूमि की प्रेरणा बनकर खड़ा है। ब्लैक टाइगर के नाम से जाने जाने वाले जासूसों की दुनिया के बादशाह रविंद्र कौशिक। उन्हें न केवल दुश्मन देश की सेना में शामिल किया गया बल्कि एक उच्च पद पर भी वे पहुंच गए और बहुत सी गुप्त जानकारियां रॉ को दी। यहां तक कि उनके साहसिक जीवन पर आधारित बॉलीवुड फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। लिखित का नया वीडियो उस वीर देशभक्त के बारे में है जिसने खुद को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को पाकिस्तान की सीमा से सटे श्री गंगानगर राजस्थान के एक गांव में एक साधारण ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता एक भूतपूर्व सैनिक थे जे एम कौशिक और माता अमला देवी। उन्हें मिलाकर 3 बच्चे थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद एसडी बिहानी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई के साथ उन्हें अभिनय कला में गहरी दिलचस्पी थी। इसीलिए कौशिक कुछ थिएटर समूहों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे जो शौकिया नाटकों का प्रदर्शन करते थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नाट्य समारोह में अभिनय की शुरुआत की। नाटक में कौशिक की भूमिका भारतीय सेना में एक युवा अधिकारी की थी। नायक एक ऐसा अधिकारी था जिसे दुश्मन सैनिकों ने पकड़ लिया था, लेकिन मातृभूमि के रहस्यों को उसने उजागर नहीं किया और उनकी निरंतर यातनाओं का शिकार होकर वीर गति को प्राप्त हो गया। उस दिन दर्शकों में रॉक के मुख्य भर्तीकर्ता मिस्टर एक्स भी थे जो नाटक से काफी प्रभावित हुए, खास करके कौशिक के प्रदर्शन से। मिस्टर एक्स ने महसूस किया कि इस छोटी उम्र में कौशिक की स्वाभाविक अभिनय क्षमता और करिश्माई व्यक्तित्व रॉक के एक्टिविटीज के लिए एक संपत्ति होगी। उस समय वह रॉ प्रमुख रामेश्वर नाथ काव के दाहिने हाथ थे। मिस्टर एक्स पूरे भारत और विदेश में यात्रा करके रॉ के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने वाले एक प्रमुख भर्तीकर्ता थे। मिस्टर एक्स ने तब रविंद्र कौशिक को काव की अनुमति से रॉ में भर्ती किया। तब रविंद्र कौशिक को यह नहीं पता था कि उन्हें भारतीय जासूसी एजेंसी के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम करने के लिए भर्ती किया गया है। मिस्टर एक्स के लोगों ने ही उन्हें विश्वास दिलाया कि यह नाटक से संबंधित काम है। 1973 में स्नातक होने के तुरंत बाद रविंद्र कौशिक ने अपने परिवार को यह बताने के बाद कि वे नई नौकरी के लिए दिल्ली जा रहे हैं, अपना जन्म स्थान श्री गंगानगर छोड़ दिया। जीवन में एक नई शुरुआत के बड़े सपने को लेकर कौशिक दरअसल नई दिल्ली में रॉ के गुप्त अभयारण्य में आ गए थे। वहां उन्हें पता चला कि मिस्टर एक्स और उनके सहयोगी, जिन्होंने उन्हें नौकरी की पेशकश की थी, देश की जासूसी एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे हैं। सब कुछ जाने के बाद कौशिक पीछे नहीं हटे। इस देशभक्ति का कारण एक पूर्व सैनिक का बेटा होना था, इसीलिए वह स्वेच्छा से भारत की विदेशी गुप्तचर एजेंसी रॉ का सदस्य बन गए। रॉ की भर्ती टीम ने विशेष खुफिया अधिकारी के पद के लिए कौशिक पर विचार किया। इसके बाद रविंद्र कौशिक को 2 साल तक कठोर प्रशिक्षण दिया गया। उनका प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली से दूर एक अज्ञात स्थान पर था। कौशिक को मिस्टर एक्स ने एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुना था जिसे रॉ पाकिस्तान में अंजाम देने की योजना बना रहा था। उन्होंने उन्हें पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ कराने और अहम गोपनीय जानकारियां लीक करने का बेहद जटिल काम दिया। इसके लिए उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग भी दी गई। इधर कौशिक जो उर्दू और अरबी भाषाओं में निपुण हो गए, इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों को याद किया और उस विश्वास के रूप में उनका खतना भी किया गया। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य राजस्थान से आने वाले कौशिक पंजाबी में भी निपुण थे। रॉ द्वारा कौशिक को दी गई ट्रेनिंग ऐसी थी कि किसी को भी एक नज़र में यह एहसास हो जाता था कि वह पाकिस्तानी है। उन्होंने पाकिस्तान की स्थलाकृति का भी सटीक वर्णन किया था। विभिन्न प्रशिक्षणों के सफल समापन के साथ ही रॉ ने रविंद्र कौशिक के पहले मिशन की तैयारी शुरू कर दी। फिर 1975 में रॉ ने उन्हें भारतीय सीमा पार पाकिस्तान भेज दिया और भारत में उनके सारे सरकारी दस्तावेज नष्ट कर दिए। रॉ द्वारा तैयार किए गए इस दूसरे जन्म में उनका नाम नबी अहमद शाकिर था। उनका पता इस्लामाबाद में रहने वाले स्थानीय के रूप में था। रॉ ने पाकिस्तान में जो सिस्टम पहले से तैयार कर रखा था उससे उन्हें वहां मदद मिली। कौशिक ने एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में कराची विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और वहां से LLB प्राप्त की। फिर उनके मिशन के तहत उन्हें पाक सेना में शामिल करने के प्रयास किए गए।
लगातार प्रयासों के अंत में 1979 में कौशिक को पाकिस्तान सेना के लेखा विभाग में एक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यह उनके मिशन का पहला काम था। इसके तुरंत बाद कौशिक ने पाकिस्तान में तैनात अन्य रॉ एजेंटों की मदद से पाकिस्तानी सेना की यूनिट से भारत को महत्वपूर्ण जानकारी देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती अपने गुप्त मिशन के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगने देनी थी। उन्हें पारिवारिक जीवन जीने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। उनकी दुल्हन अमानत थी, जो पाकिस्तान आर्मी टेलर यूनिट में दर्जी की बेटी थी। शाकिर अमानत दंपति को एक बेटे के जन्म के साथ वह अपने पेशेवर जीवन के रोमांच के साथ साथ पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। रॉ की योजना और कौशिक की कुशलता ऐसी थी कि किसी को कोई शक नहीं हो सकता था। इस बीच 1980 के दशक में भारत पाकिस्तान संबंध और बिगड़ गए। यह खालिस्तान अलगाववादियों को पाकिस्तान के समर्थन और सहायता के कारण था। भारत की बांग्लादेश की स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया के रूप में पाकिस्तान की रणनीति पंजाब के भारतीय हिस्से में अलगाववाद को बढ़ावा देने की थी। तत्कालीन इंदिरा सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को निर्देश दिया। तदनुसार इन एजेंसियों ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि भारत को उस समय पाकिस्तान में चल रहे स्वतंत्र सिंधु देश आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। योजना से संतुष्ट इंदिरा ने इन एजेंसियों को आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता दे दी। प्रधानमंत्री की मंजूरी के साथ नई दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक से पाकिस्तानी सेना के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। यह बहुत ही जटिल कार्य था। इसके लिए वह भारत के उच्चतम हलकों से सीधा संपर्क स्थापित करने में सफल रहे। मिशन में उनकी भूमिका बेहद सराहनीय रही। कौशिक की प्रतिभा से प्रभावित होकर भारतीय शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें ब्लैक टाइगर कहकर संबोधित किया। पाकिस्तान में अपने गुप्त जीवन के दौरान कौशिक कई बार भारत आए और गए। ये सभी यात्राएं रॉ के संरक्षण में कराची से दुबई होते हुए दिल्ली तक की थी। 1983 तक रॉ ने पाकिस्तानी सेना में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की। इसके मुख्य कड़ी रविंद्र कौशिक थे। रॉ ने गणना की कि कौशिक के प्रभाव का उपयोग करके इसे संभव बनाया जा सकता है, जिन्हें तब तक पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। उनकी मदद के लिए रॉ ने उस वर्ष सितंबर में इनायत मसीहा नामक एक निम्न स्तरीय एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री पुलिस ने पकड़ लिया। विस्तृत और क्रूर पूछताछ के बाद इनायत ने पाकिस्तानी सेना में आने के अपने उद्देश्य का खुलासा किया। इनायत ने खुलासा किया कि वह पाकिस्तानी सेना में मेजर नबी अहमद शाकिर से मिलने आया था। हालांकि शुरू में अविश्वास करते हुए उन्होंने कौशिक के आवास पर छापा मारा और फिर उन्हें आगे की पूछताछ के लिए एक गुप्त स्थान पर ले गए। उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा कष्टदायी पिटाई और मनोवैज्ञानिक पूछताछ के अधीन किया गया, लेकिन उन्हें कौशिक से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने अपने जन्मभूमि भारत के साथ विश्वासघात नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, पाक सेना को यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि वह भारतीय नागरिक हैं। 2 साल के मुकदमे के बाद 1985 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने रविंद्र कौशिक को मौत की सजा सुनाई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने 1990 में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कौशिक का जीवन कारावास के दिनों से लेकर 18 वर्षों तक पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में कष्टों से भरा रहा। रविंद्र कौशिक को बाद के वर्षों में जेलों में गंभीर यातनाओं के कारण गंभीर तपेदिक का सामना करना पड़ा। नवंबर 2001 में 49 साल की उम्र में दिल की बीमारी के कारण कौशिक की मौत पाकिस्तानी अधिकारियों से पर्याप्त इलाज के बिना उत्तरी पाकिस्तान के रावलपिंडी में मियां वैली सेंट्रल जेल में हुई। हालांकि हम यह नहीं जानते हैं कि रॉ द्वारा रविंद्र कौशिक को सौंपा गया कार्य पूरा हुआ या नहीं, लेकिन मातृभूमि के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह सराहनीय है। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले न जाने कितने रविंद्र कौशिक और भी हैं, जिनसे हम अनजान हैं। बुराई की ताकतों के खिलाफ लड़कर अखंड भारत के अस्तित्व में उनके योगदान को हम कृतज्ञतापूर्वक याद करें। जय हिंद।